Hello everyone, welcome to the channel Ian, and you are watching our series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget. Friends, आज से आने वाले सभी जो भी वीडियोस होंगे हमारे, उनमें हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में भी यूज करेंगे ताकि ये वर्ड हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड होने वाला है रिबाल्ड, और दोस्तों रिबाल्ड का मतलब होता है वल्गर रिमार्क्स, और वी कैन से समथिंग दैट इज इनडिसेंट। अब दोस्तों रिबाल्ड वर्ड को याद रखने के लिए क्या नेमोनिक बना सकते हैं? दोस्तों आपने रोडिस एमटीवी का बहुत पॉपुलर शो है जरूर देखा होगा, और रोडिस के पुराने शोज में एक टकला आदमी आता था और सबको खूब गालियां देता था, वल्गर तरीके से उनसे बात करता था, इनडिसेंटली उनसे बात करता था। तो वो टकला था, बाल्ड था, तो आप ऐसे याद रखिए कि जो रिबाल्ड होगा वो बहुत वल्गर तरीके से बात करेगा, इनडिसेंट तरीके से बात करेगा। और उस व्यक्ति का नाम क्या था रोडिस में? रघुराम। आप इंटरनेट पर जाके सर्च करिए, आपको सब याद आ जाएगा। तो रिबाल्ड मीन्स वल्गर रिमार्क्स, इनडिसेंट। याद कैसे रखेंगे? रोडिस का वो बाल्ड आदमी जिसको रघुराम के नाम से हम जानते हैं, जो सबसे वल्गर तरीके से बात किया करता था। तो देखते हैं इसका एक सेंटेंस, ही इंटरटेन्ड अस विद रिबाल्ड स्टोरीज। उसने हमको रिबाल्ड स्टोरीज के साथ इंटरटेन किया, वल्गर स्टोरीज के साथ इंटरटेन किया। आज का हमारा सेकंड नंबर पे जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे हेनस। हेनस दोस्तों, हेनस वर्ड का मतलब हो जाता है एविल और विकेड। मतलब जो बहुत बुरा होगा उसको हम बोलेंगे हेनस, एविल और विकेड। इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं, देखते हैं इसका एक निमोनिक। दोस्तों हेनस वर्ड साउंड्स लाइक हाइना। हेनस वर्ड साउंड्स लाइक हाइना। और हाइना क्या है दोस्तों? हाइना एक एनिमल है। हाइना एक एनिमल है, और ये एनिमल काफी ज्यादा एविल होता है, बहुत बुरे तरीके से अपने शिकार को मार के खा जाता है। चाहे तो इस एनिमल की पिक्चर नेट पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज करेंगे, इस वर्ड को, हेनस वर्ड को। दे एडमिटेड टू द मोस्ट हेनस क्राइम्स। उन्होंने अपने बहुत बुरे जो कारनामे थे उनको एडमिट कर लिया। दोस्तों आज का थर्ड नंबर का हमारा वर्ड है वल्नरेबल, और वल्नरेबल वर्ड का मतलब होता है प्रोन टू बी अटैक्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। चलिए बनाते हैं इसका एक निमोनिक। सोचिए कि यहाँ पे जो वोल लिखा है इसको हम बोल रहे हैं वोल। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? वोल। इसको हम बोल रहे हैं ना, वोल ना। इसको हम बोल रहे हैं रे, और इसको हम बोल देते हैं एबल। एबल हम बोल रहे हैं, वोल को आप रिलेट करिए बोल, वोल मतलब बोल। तो हम किसी से पूछ रहे हैं बोल ना रे, बोल ना रे, मतलब उसको कह रहे हैं कि बोल, कुछ बोले वो, बोल ना रे। और फिर हम बोल रहे हैं एबल। तो ऐसे रिलेट करिए, हम किसी से बोल रहे हैं बोल ना रे, तू एबल है क्या? बोल ना रे, आर यू एबल? बोल ना रे, आर यू एबल? अगर वो बंदा एबल होगा तो बोलेगा हाँ मैं एबल हूँ, और अगर वो एबल नहीं होगा तो वो बोलेगा नो आई एम नॉट एबल, आई एम वल्नरेबल। आई एम नॉट एबल, आई एम वल्नरेबल। तब आप बोलोगे कि अगर आप वल्नरेबल हो तो आपको तो कोई भी हमला कर सकता है, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली, ठीक है? तो आप इजिली अटैक किए जा सकते हो। तो वल्नरेबल वर्ड को ऐसे याद रखिएगा, बोल ना रे एबल। अगर बोल ना रे, बोल ना, क्या तू एबल है? तो अगर तू एबल नहीं है तो तू वल्नरेबल है। अगर अगर तू किसी चीज में भी एबल नहीं है तो तू वल्नरेबल है। प्रोन टू बी अटैक्ड फिजिकली इमोशनली। बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओल्डर पीपल आर वल्नरेबल टू कोल्ड टेम्परेचर, और दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि जो ओल्डर पीपल होते हैं वो सर्दियों में उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। So older people are vulnerable to cold temperature. आज का फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड है MAUL, mall. MAUL, mall. दोस्तों mall वर्ड का मतलब होता है टू अटैक और इंजर somebody. और जनरली ये जो मॉल वर्ड है ये हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई एनिमल किसी पे हमला कर दे, अटैक कर दे, किसी को इंजर कर दे, कोई एनिमल। तो मॉल वर्ड को हम याद रखने के लिए बनाते हैं एक निमोनिक। देखिए मॉल वर्ड साउंड्स लाइक मॉल। मॉल, हम जाते हैं ना मॉल, कितने बड़े बड़े मॉल हैं आजकल शहरों में, तो हम मॉल वगैरह जाते हैं। तो ये वाला मॉल आप इसको रिलेट करिए, और सोचिए कि एक बार मॉल में क्या होता है,
एक बहुत जंगली कुत्ता आ जाता है। एक बार मॉल में क्या होता है, जंगली कुत्ता आ जाता है और सभी को क्या कर देता है पता है, मॉल कर देता है। एक जंगली कुत्ता एक बार मॉल में जाके सभी को मॉल कर देता है। तो इससे आप रिलेट करेंगे तो आपको ये वर्ड याद रहेगा, मॉल, मॉल, टू अटैक इंजर समबडी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल बॉय वॉज मॉल्ड बाय द नेबर्स डॉग। गाइस, आज का हमारा फिफ्थ नंबर का वर्ड होने वाला है अबैश, अबैश। और दोस्तों, अबैश वर्ड का मतलब होता है अशेम्ड, और वी कैन से एम्बैरेस्ड। अब इस वर्ड अबैश वर्ड को याद कैसे रख सकते हैं, बनाते हैं इसका नमोनिक। देखिए, अबैश वर्ड में आपको ऐश सुनाई दे रहा है, ऐश, और ऐश को आप रिलेट कर लीजिए ऐश्वर्या राय से, ऐश्वर्या राय। और दोस्तों, अगर आप ऐश्वर्या राय के सामने सलमान खान की बात करेंगे तो वो एम्बेरेस्ड फील करेंगी। वो कैसा फील करेंगी, एम्बेरेस्ड फील करेंगी, और यू कैन से अशेम्ड फील करेंगी बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रोवर्सीज। फॉर एग्जाम्पल, हर एल्डर ब्रदर अबैश्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर शाइनेस। उसके बड़े भाई ने उसको एम्बेरेस्ड फील करा दिया, अशेम्ड फील करा दिया, क्योंकि वो बहुत शाय थी। दोस्तों, आज का सिक्स नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है बॉडी। और दोस्तों, बॉडी का मतलब होता है समथिंग दैट इज इनडिसेंट। और हमने जो फर्स्ट वर्ड आज के लेक्चर में पढ़ा था रिबाल्ड, वो भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो बॉडी का मतलब हो जाएगा इनडिसेंट, रिबाल्ड, वल्गर। अब इस बॉडी वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं, बनाते हैं इसका एक नमोनिक। बॉडी वर्ड साउंड्स लाइक बॉडी, बॉडी वर्ड साउंड्स लाइक बॉडी। और दोस्तों, बॉडी मीन्स, आजकल आपको पता है ना कि फिल्म इंडस्ट्रीज में जो फीमेल मॉडल्स होती हैं, वो अक्सर अपनी बॉडी को शो करके क्या करती हैं, सक्सेस को अचीव करना चाहती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो बड़ा बॉडी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वो बड़ी बॉडी हो जाती है, इनडिसेंट हो जाती है, वल्गर हो जाती है। आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स दे वर ऑल सिंगिंग बॉडी सॉन्ग्स। थोड़ी ड्रिंक्स पीने के बाद वो सभी वल्गर गाने गाने लगे। दोस्तों, आज का सेवेंथ नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है कैलो, कैलो। और दोस्तों, कैलो वर्ड का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। और यू कैन ऑल्सो से नैव। दोस्तों, कैलो वर्ड को याद रखने के लिए बनाते हैं एक नमोनिक। सोचिए, कालू नाम का एक बच्चा था, क्योंकि ये जो कैलो वर्ड है ये कालू वर्ड से काफी मैच करता है, कालू। तो कालू नाम का एक बच्चा था, एक दुकान पे काम करता था, काफी इनएक्सपीरियंस था। तो उसके दुकान के जो मालिक थे वो उसको ऐसा बोला करते थे, कालू यू आर कैलो, कालू यू आर वेरी कैलो, कालू तुम बड़े इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें बहुत सीखना है ना अभी। तो कालू बड़ा कैलो है, कालू बड़ा कैलो है, इनएक्सपीरियंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ कैलो यूथ वेन ही ज्वाइन द ऑफिस। वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड था जब उसने ऑफिस को ज्वाइन किया था। और आज का हमारा एट नंबर का वर्ड होने वाला है डेल्यूड। दोस्तों, इसका मतलब होता है आप किसी को धोखा देते हैं तब आप इस वर्ड को यूज करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा टू डिसीव समवन। देखिए दोस्तों, इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं, इस वर्ड में आपको एल्यूड वर्ड दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, एल्यूड का मतलब क्या होता है, एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है टू स्केप, कहीं से भाग जाना। एल्यूड का मतलब होता है टू स्केप। और इस वर्ड एल्यूड को भी हमने पहले के सेशंस में पढ़ा है। और एल्यूड वर्ड से आप रिलेट करिए डेल्यूड। चलिए, अब ऐसा रिलेट करिए आप कि आप मान लीजिए किसी कहीं से भागना चाहते हैं, और मान लीजिए आप जेल में हैं, कोई प्रिजनर है, वो कहीं से भागना चाह रहा है, तो जेल का जो जेलर होता है उसको धोखा देना पड़ेगा, तभी तो वो भाग पाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यू हैव टू डेल्यूड इन ऑर्डर टू एल्यूड। मतलब भागने के लिए आपको डेल्यूड करना पड़ेगा, किसी को धोखा देना पड़ेगा। एल्यूड करने के लिए डेल्यूड करना पड़ेगा, एल्यूड करने के लिए भागने के लिए डेल्यूड करना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एंग्री विद हिम फॉर ट्राइंग टू डेल्यूड हिम। मैं उससे काफी गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश करी। दोस्तों, आज का नाइन्थ नंबर का हमारा वर्ड हैगा ब्रूक। और दोस्तों, ब्रूक का मतलब होता है टोलरेट, टॉलरेट।
चलिए, और ब्रूक वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? ब्रूक वर्ड साउंड्स लाइक बुक, ब्रूक वर्ड्स साउंड्स लाइक बुक। अब दोस्तों बुक से आप क्या याद रख सकते हैं? पता है जब हम अपने स्कूल डेज में हुआ करते थे या जब हम हमारे कॉलेज डेज में थे, और अगर हम बुक लेके नहीं जाते थे तो हमारा टीचर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था और हमको पनिशमेंट देके क्लास से बाहर निकाल देता था। ठीक है, तो हमको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था। तो हमारा टीचर, हाँ, अगर बुक लेके नहीं जाते थे तो बिल्कुल भी ब्रूक नहीं करता था, मतलब टॉलरेट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट ब्रूक एनी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क, और ही वॉन्ट ब्रूक एनी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क। वो अपने काम की कोई भी बुराई को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है साइनोश्योर। साइनोश्योर, और इस वर्ड का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, इस वर्ड के लिए क्या नेमोनिक बना सकते हैं हम? तो जो साइनोश्योर है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये डायनासोर है। क्या है ये एक डायनासोर है, ये एक डायनासोर है। और आप सोचिए, अगर कहीं पर डायनासोर आ गया किसी जगह पे और बहुत अच्छे से रहने भी लग गया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगी वो जगह? एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। बहुत सारे लोग वहां पे जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे उस जगह पे, क्योंकि वहां पे डायनासोर है ना। तो डायनासोर अगर कहीं आ गया तो वो प्लेस कैसी हो जाएगी? साइनोश्योर हो जाएगी, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक प्रिंसेस की, जो सर से लेकर पैर तक पूरा गोल्ड से कवर है, तो वो सभी की आंखों के लिए क्या हो गई है? एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई है, मीन साइनोश्योर हो गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज दोस्तों हमारे चैनल ई अरंग को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें और आप इस तरीके से अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।